मैंने हर एक बात मुकद्दर पर छोड़ दी और उस पे इख्तियार है मेरे हुसैन का सलवार। आँखों का वजू करते हैं शब्बीर के गम से, आँखों का वजू करते हैं शब्बीर के गम से, जख्मों का रफू करते हैं शब्बीर के गम से, जख्मों का रफू करते हैं शब्बीर के गम से, अब साल के आगाज में जो चाहो करो तुम, हम साल शुरू करते हैं शब्बीर के गम से, हम साल शुरू करते हैं शब्बीर के गम से। सलवार। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, मौत उनके मोहब्बत को आती नहीं, आ भी जाए के जाती नहीं, मौत से क्या कदर, मौत से क्या असर, इससे बचना भी क्या आ गई, आ गई, जब खुदा को घर चलो शाम होती है अस।
सर पर। अरे घर चलो शाम होती है असगर, खबरे असगर पे कहती थी मादर। घर चलो शाम होती है असगर। हज़रात गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास की तलावत फरमा कर मरहूम रमीज़ मुर्तज़ा इब्ने मुर्तज़ा हुसैन साहब की रुख के साथ। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الابتهي التهامي أصله أصيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله على آدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صلوات اللهم صل على
हैं ग्रामीण कदर मौजूद सामीन कराम और रज़दारान मज़लूम करबला। सबसे पहले अपनी तरफ से और आप तमाम हजरात की तरफ से बारगाह इमाम ज़मान में उनके जद्द अमजद मौला इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत के उनवान से पुरसा और तसलियत पेश करता हूँ। सानियन अपनी तरफ से आप तमाम हजरात की खिदमत में मौला की शहादत के उनवान से पुरसा और तसलियत अर्ज़ करता हूँ। इस आला सवाब की इस मजलिस में आगाज़ में ही खुदावंद आलम से दुआ गो हूँ कि मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है तेरी रहमतों का, तुझे वास्ता है तेरी बरकतों का, तुझे तेरे गफूर होने का वास्ता है, मरहूम के दराजात बुलंद हैं उनको बुलंदतर फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है इस मजलिस सरकार सैयदुश्शुहदा, इसमें पढ़ी जाने वाली आयात इलाहिया, अंबियाए किराम की नसीहतें, अइम्मे उज़्ज़ाम की फरमूदात और ज़िक्र मसाएब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और ज़िक्र शुहदाए करबला के सदक़े में मरहूम के गुनाहाने कबीरा और गुनाहाने सगीरा से दरगुजर करते हुए जवार रहमत और जवार मासूम इनायत फरमा। सानियन मैं अपनी तरफ से और आप तमाम हाज़रीनों सामईन की तरफ से मरहूम के वरसा बिलखसूस उनके बुज़ुर्ग वालदैन, उनके भाइयों की खिदमत में, उनके अज़ीज़, उनके अहिब्बा, उनके अकारिब, उनके दोस्त व अहबाब की खिदमत में इस सानहे इरतहाल और मौके इंतकाल की मुनासिबत से पुरसा और तसलियत पेश करता हूँ। एक जवान के इसाल सवाब की मजलिस है जो मुतनासिब है आज की शब से कि जिसका गम हमको मनाना है, और जो शब गुज़री है और आज का दिन गुज़रा, अगर चांद फलक पे नमूदार नहीं हुआ तो आज की शब और कल का दिन भी उसी इमाम हुमाम से मंसूब है जो आइम्मा की फहरिस्त में सबसे जवान इस दुनिया से गया है। हम अपने आइम्मा कराम की ज़िंदगी का जब जायज़ा लेते हैं, पैगम्बर आज़म को अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर जो मौका दिया है, जो हयात दी है, वो 63 बरस, और मौलाए कायनात भी इस दुनिया के ऊपर 63 बरस ज़िंदगी गुजार के खुदावंद आलम से मुलाकात के लिए दार फ़ानी से लब्बैक कहते हुए दाई अजल को उन्होंने लब्बैक कहा। उसके बाद से जब आप आइम्मा कराम की उम्र और उनके सिन को उठा कर देखते हैं तो सिर्फ़ एक ही इमाम हैं कि जो पैगम्बर आज़म से 2 बरस ज़्यादा और आइम्मा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार कर गए हैं। और वो जो ज़िंदगी है वो आप ये महसूस ना करें कि 100-150 बरस ज़िंदगी गुजारी, सिर्फ 65 बरस, और वो मौका सिर्फ इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम का। लिहाजा 14 मासूमीन में सबसे ज़्यादा उम्र जिस इमाम ने पाई है उसका नाम है जाफर सादिक़, और इमाम की फहरिस्त में, मासूमीन की इस फहरिस्त में सबसे कम उम्र जिस इमाम ने पाई है 25 बरस की उम्र में इस दुनिया से इमाम को जाना पड़ा। उस इमाम का नाम है इमाम जवाद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के, जिनकी शहादत का गम आपने गुज़िश्ता शब में भी मनाया, आज का दिन भी उनसे मंसूब था, और जो कि अवाखिर ज़िक़ादा मिलता है तवारीख़ में, लिहाजा अगर 29 को चांद हो जाए तो फिर यकीनन ये 29 मनाई जाती है आपकी शहादत, और अगर 30 तारीख भी ज़िक़ादा में हो जाए तो फिर ये तारीख़ भी मंसूब हो जाती है इमाम जवाद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से। आप जानते हैं कि इन 14 मासूमीन की फहरिस्त में, देखिए ये बातें इसलिए भी बताना ज़रूरी हो जाती हैं कि आज की मादी दुनिया में, कि जहाँ हर इंसान अपनी मादी ज़रूरियात की तरफ भाग रहा है, माल कमाने के लिए, इज़्ज़त कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए जो तालीम भी दी जा रही है वो मादी तालीम है और उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन हरज वहाँ पर आ जाता है कि जब हम इस मादी दुनिया को हासिल करने के लिए मानवी आखिरत को तर्क कर देते हैं। मदरसे बंद होते चले जा रहे हैं, मकातिब तातील होते चले जा रहे हैं, उर्दू और अरबी स्कूलों के अंदर ख़त्म कर दी गई है, दीन और इस्लाम से हमारी उनसियत बज़ाहिर बढ़ तो रही है लेकिन दर हकीकत कम हो रही है। हम ये समझते हैं कि मस्जिदें बन रही हैं चारों तरफ, आइम्मा जमात इतने हैं इस शहर के अंदर, इतनी जमात हो रही हैं, इतनी मजलिसें हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि दीनदारी बढ़ रही है। अजीज़ों, ये दीनदारी का जहूर है जो आपको दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि दीनदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वगरना हकीकत यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों से दीन खैरबाद हो रहा है, रुखसत हो रहा है। वो ज़माना याद कीजिए, मैं अपने ज़माने की बात करूँ और आप अपने ज़माने की बात कीजिए, कि जब रात की तारीकी में माँ
अपने बच्चों को आगोश में उठाकर अल्लाह एक, पंजतन पाँच, इमाम बारह, मासूम चौदह सिखाया करती थी। मगर आज का दौर क्या है कि बच्चा सोने में अजियत न करे, लिहाजा वालदैन खुद ही मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, कार्टून लगाकर ये दो चार कार्टून देखेगा और सो जाएगा। तो बज़ाहिर मजलिसों में इजाफा हो रहा है, मस्जिदों की नमाज में इजाफा हो रहा है, जमात में इजाफा हो रहा है, मगर जो दीन का सही मकाम है वो हमसे दूर होता चला जा रहा है। बहरहाल आखिर उस ज़माने, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है, जो दीन के अंदर तब्दीलियाँ आप देखेंगे, जो मजालिस के अंदर आप तब्दीलियाँ देखेंगे, जो मसाजिद के अंदर। आखिर उस ज़मान की अलामत में से एक अलामत यह है कि मस्जिदें तो मुजयन होंगी मगर नमाजियों से खाली होंगी। किसी ने कहा कि मौला हम तो देखते हैं कि नमाजी बढ़ते चले जा रहे हैं, कहा ये नमाजी नहीं है, ये भीड़ है मुसलमानों की जो मस्जिद में तुम्हें दिखाई दे रही है, वगरना जो नमाज है उसको अदा करने वाले बहुत कम अफराद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि साहब अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि चार बजे बिस्तर छोड़ के मस्जिद में आ जाते हैं ताकि नमाज जमात पढ़ें, दोपहर में कारोबार को रोक के ज़ुहरैन पढ़ने के लिए आ जाते हैं, मगरिब के वक्त अपने कामों को तातुल करके हम पहुँच जाते हैं मस्जिद में और नमाज़ पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा क्या करें, पढ़ तो रहे हैं नमाज। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, ये हम समझ रहे हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। इस नमाज को नमाज तब कहा जाएगा जब इसको शरफ उस मकाम पे तुम पहुंच रहे हो, यानी कहा मौला मुझे बताइए कि नमाज कहाँ पहुंचाना चाहती है, नमाज का पैगाम क्या है, नमाज का असर क्या है। कहा कुरान करीम ने अल्लाह ने ऐलान किया इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज है जो तुम्हें खराबियों और बुराइयों से रोक देती है। लिहाजा अब ये देखो कि नमाजें पढ़ने के बाद तुम्हारी बुराइयाँ कम हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तुम्हारी खराबियों में कमी आ रही है या नहीं आ रही। अगर नमाजें हो रही हैं और गुनाहों में कमी आ रही है तो ये नमाज भी है और अल्लाह इसको कबूल भी कर रहा है। लेकिन अगर नमाजें भी हो रही हैं, धोखाधड़ी भी बढ़ रही है, नमाजें भी हो रही हैं, झूठ में इजाफा भी हो रहा है, नमाजें भी हो रही हैं, हसद भी पैदा हो रहा है, नमाजें भी हो रही हैं, बुराइयां भी बढ़ती चली जा रही हैं, तो मौलाए कायनात फरमाते हैं ये नमाज नहीं है, ये वर्जिश है, या आज के लफ्जों में इस्तेमाल करूं कि ये नमाज नहीं है बल्कि योगासन है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। अब एक प्लेटफॉर्म बाकी है हमारी इस कौम के पास, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कम से कम ये एक बाकी है, वगरना दूसरे मुसलमानों के पास तो अब कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म, ये मिंबर रसूल है कि जहां से आपको अल्लाह भी बताया जाएगा, जहां से दीन भी समझाया जाए, और ये एक मुबल्लिग की, एक खतीब की, एक जाकिर की जिम्मेदारी है कि वह इन तमाम महदूदियत को मद्देनजर रखे कि ना मदरसों में बच्चा जा रहा है, ना अरबी और फारसी सीख रहा है, ना उर्दू से उसको वाकिफियत है। लिहाजा अब इन मिंबरों का इस्तेमाल किया जाए कि जो काम माएँ आगोश में किया करती थी अब मेंबर की आगोश से वो काम किया जाए। कि कम से कम हम ये देख रहे हैं कि मजालिस में इजाफा हो रहा है, खुदाबंदे आलम का शुक्र है, इमाम हुसैन से मकबूलियत हमारी बढ़ती चली जा रही है, उनसे उनसियत बढ़ती चली जा रही है। इसी शहर के अंदर एक ज़माने में पाँच मजलिसें होती थी, आज अगर आप सर्वे करें तो संडे को, इतवार के दिन या शब जुमा, कम से कम मैं ये समझता हूँ कि 20-25 मजलिसें ज़रूर इस शहर के अंदर होती हैं। और अगर इन 20-25 मजलिसों से आपको दीन सिखा दिया जाए तो फिर आप यकीन जाने कि फिर ना आपको किसी मदरसे में जाने की जरूरत है, ना किसी मकतब में जाने की जरूरत है। मगर आपकी जिम्मेदारी यह है कि मिंबर पे आने वाले को देखें कि वो कैसा है, और मिंबर को उसके हवाले करें जो खुद दीन से वाकिफ हो, जो खुद हिंदी मीडियम जाकिर हो, वो आपको दीन क्या सिखाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, दीन इस्लाम अरबी में आया है, पैगंबर इस्लाम की जबान अरबी है, अहले बैत की जबान अरबी है, बहिश्त की जबान अरबी है, लिहाजा जितना इस्लामिक लिटरेचर है वो सब अरबी के अंदर है। अरबी के समंदर में फारसी में जो काम हुआ है उसको अहले ईरान ये कहते हैं कि समंदर में कतरा, अल्लाहु अकबर। आज अगर आप वेबसाइट्स को छानना शुरू करें तो 1.5-2 लाख वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी फारसी की, जो मजहबी वेबसाइट्स हैं। उसके बावजूद भी ईरानियों का ये कहना है कि साहब इस्लामी दुनिया में अभी हमारा काम समंदर में कतरे जैसा है। फिर आप पलट के आइए कि उर्दू का क्या हाल है, उर्दू में कितना लिखा गया है, कितनी किताबें हैं, और फिर पलट के आइए कि उर्दू तो कुजा, हिंदी में कितना दीनी लिटरेचर है। और अब अगर कोई दीनी किताबों को हिंदी में पढ़ के आपकी तरफ इस्लाम मुंतकिल करना चाहेगा तो वो ला तकरबुस सलात बताएगा, वह अंतुम सुकारा नहीं समझाएगा। एक और सलवात भेज दबर मोहम्मद। मुकदमा था मेरी मजलिस का,
इसलिए कि जिस मरहूम के लिए मजलिस आज़ा मुनक़द की गई है, दीन मुबीन इस्लाम का मोहकम पाबंदी करने वाला जवान, मैं खुद ज़ाती तौर पर पर्सनल तौर पर मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मगर जब से मरहूम का इंतकाल हुआ है और कल तक और आज तक जिस फर्द ने भी उनका जिक्र किया है, क्या कहा कि साहब अव्वल नंबर का नमाजी, आज़ादार इमाम हुसैन, नमाज शब की पाबंदी करने वाला, मातम और मजलिस में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला। और अज़ीज़ाने गिरामी, मैं इन बातों पर यकीनन यकीन न करता अगर इस लॉकडाउन और इस पेंडेमिक, इस कोरोना और इस वबा और बला के आलम में उसको खिराज अकीदत देने के लिए इतने अफराद में देख ना रहा होता। एक और सलवात भेज दे बर मोहम्मद, यह आपकी आमद बता रही है, यह आपकी आमद बता रही है कि जाने वाला यकीनन अल्लाह के मुती और फरमाबरदार बंदों में से था और अहले बैत का सच्चा जानेसार और सच्चा फरमाबरदार था, कि जिसकी याद में आप सब हजरात इस वक्त खिंच कर चले आए हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, मशहूर और मारूफ आयत मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है। खुदावंदे आलम एक हकीकत से पर्दा उठा के कहता है, ऐनमा तकूनू युद्रकुमुल मौत, बहुत बड़ा गम है किसी जवान का इस दुनिया से जाना, मगर अल्लाह कहता है ऐनमा तकूनू युद्रकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ, जहाँ कहीं भी छुप जाओ, एक दिन तो मौत है जो तुम्हारी बालीन पे आके खड़ी हो जाएगी। बोलो कुन तुम फी बुरुजिम मुशय्यदा, अगर अपने आप को मजबूत किले, लोहे के किलों में भी छुपा लो, पत्थर के महलों में भी छुपा लो, तो मलकुल मौत तो वहां भी पहुंच जाएगा। इसलिए कि मौत के लिए ना हमने किसी को वक्त बताया है, ना दिन बताया है, ना जगह बताई है। जब भी खुदावंदे आलम देखेगा कि वक्त कामिल हो गया है, फौरन हजरत इजराइल, हजरत मलकुल मौत को हुक्म होगा कि फलां की रूह को कब्ज कर लो। अब वो रूह को कब्ज करने के लिए आ जाएंगे। लिहाजा हम अपने इंसानों के ऊपर बच्चों के जनाजे भी उठाते हैं, नौजवानों को भी गोरिस्तान में लेके जाते हैं, जवानों के भी तदफीन करते हैं और बुजुर्गों का भी गम मनाते हैं। लिहाजा ये दुनिया का एक चलन है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे बहरहाल जाना है। हाँ, ये और बात है कि जाने के बाद कुरान करीम कहता है कि हम तुम्हारा एक सूरह मुल्क की आप आयत सुनते रहते हैं, खुदावंदे आलम कहता है तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहु अला कुल्ल शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाहु अकबर लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, बाबरकत है वो जात जिसके हाथों में मिल्कियत है, हर शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत, ये वो खुदा है जिसने मौत को खल्क किया है, काश में तवज्जो हो आप, जिसने मौत को खल्क किया है, वल हयात और जिंदगी को, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और ये खिलकत हयात मौत क्यों है, हजारों मजलिस से आपने सुनी होगी इस आयत के ज़िल में, ताकि वो ये जान सके, ये देख सके, ये आजमा सके कि अमल के एतबार से तुम सब में सबसे बेहतर कौन है, अमल के एतबार से तुम में सबसे बेहतर कौन है। तो अल्लाह आजमाइश करता है, अल्लाह इम्तिहान लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इम्तिहान लेता कैसे, सूरह बकरा में उसने ऐलान किया वला नबलवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अमवाल, अल्लाहु अकबर, मैं तुमको आजमाऊंगा, तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, कैसे, कभी तुम्हारे ऊपर खौफ तारी कर दूंगा और इस खौफ के बाद देखूंगा कि तुम अल्लाह के बंदे बनते चले जा रहे हो या शैतान के कारिंदे बन रहे हो, कभी हम तुम्हारे ऊपर भूख तारी करेंगे और इस भूख के जरिए से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे कि इस भूख को बुझाने के लिए तुमने राह खुदावंद आलम को तय करते हुए हलाल खुदा का साथ दिया या अपनी भूख को मिटाने के लिए हराम खुदा के रास्ते पर चले गए, यह तुम्हारी आजमाइश होगी। वनक्स मेरा लम्बाल, कभी हम तुम्हारे माल को कम कर देंगे और इस माल की कमी से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे कि जब माल आ रहा था तो अल्लाह याद था, जब माल कम हुआ तब याद रहा या नहीं रहा। वल अनफुस, और सिर्फ माल काम नहीं होगा बल्कि कभी तुम्हारे घरों से जनाजे उठेंगे, अल्लाह अकबर, तुम्हारे नफ्सों में कमी आएगी, तुम्हारी जानों में कमी आएगी, जिनको कल तक तुम अपने हाथों में खिलाया करते थे, जिनसे कलाम किया करते थे, जिनको देख कर तुम्हारा दिल खुशहाल हो जाता था, यह अमानत है ना, लिहाजा हम इसको वापस लेंगे और अब देखेंगे कि जैसे अमानत अता करते वक्त खुशहाल थे, अमानत की वापसी में खुशहाल हो या नहीं हो, अल्लाह अकबर। लिहाजा रवायात में मिलता है कि हजरत इस्माइल के जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फर्जंद के जिनसे मंसूब है इस्माइलिया के जो छठे इमाम के बाद हजरत इस्माइल को इमाम मानते हैं और फिर सातवें इमाम से हमारे इमामों को कबूल नहीं करते, ये वही हजरत इस्माइल हैं। हजरत इस्माइल बीमार होते हैं, सुबह के वक्त जिस दिन उनका इंतकाल होना है, सुबह के वक्त देखा चाहने वालों ने कि वहाँ पे बहरहाल वालिद गिरामी है, इमाम सादिक के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं, बेटा दुनिया से जा रहा है, जवान बेटा जा रहा है, इमाम है तो क्या हुआ, बहरहाल इंसानी फितरत तो है ना, तो चेहरे की रंगत बदली हुई है। जैसे जैसे खबर आ रही कि आपके बेटे की तकलीफों में इजाफा हो रहा है, अनकरीब वो इस दुनिया से चला जाएगा, चेहरा पजमुर्दा होता चला जा रहा है, अल्लाह अकबर। ये इंसानी कैफियत है, कोई हरज नहीं है कि अगर हम अपने मरने वालों पर आंसू बहाएं, कोई हरज नहीं है कि हम अपने मरने वालों को याद करके गिरिया
किया करें, इसलिए कि ये इंसानियत का तकाजा है। जिनके सीने में गोश्त का दिल होगा वो गम के ऊपर आंसू बहाएंगे, मगर जिनकी माओं ने जनते वक्त दिल को पत्थर बना दिया हो वो भला रोने की अहमियत क्या समझेंगे। इमाम सादिक क्या है, दिल के ऊपर एक मजमुदगी तारी हो रही है, चेहरे के ऊपर जो हशाश और बशाश रहते थे उसमें एक कमी आ रही है। मगर चाहने वाला कहता है कि मैंने देखा कि जब तक आपको यह खबर दी जा रही थी कि हजरत इस्माइल कर्ब के आलम में, मुसीबत के आलम में, इमाम को परेशानी लाहक थी, मगर जैसे ही आने वाले ने आके कहा मौला इस्माइल दुनिया से चले गए, अल्लाहु अकबर, इस्माइल दुनिया से चले गए। अब चाहने वाला यह कहता है कि जैसे ही यह खबर दी तो मैंने देखा कि वो इमाम जो सुबह से मुज़तरिब दिखाई दे रहा था, जो सुबह से परेशान दिखाई दे रहा था, उसके चेहरे की रौनक वापस आ गई, उसका चेहरा हशाश वशाश हो गया। मैंने हाथों को जोड़ा, मौला सुबह से हजरत इस्माइल जिंदा थे मगर आपके चेहरे का रंग बदल रहा था, मगर जैसे ही आपको खबर वफात मिली आपका चेहरा खुशहाल हो गया। वजह क्या है? का वजह यह थी कि जब तक इस्माइल जिंदा था वो अल्लाह की अमानत था मेरे पास, मैं परेशान था कि इस अमानत को वापस कैसे करूं। जब अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली तो मुझे मालूम है कि इस्माइल का जन्नत में क्या मकाम होगा और अल्लाह इसके एवज में मुझे क्या देने वाला है। सलावत भेज दें पर मोहम्मद। अल्लाह कभी दे के इम्तिहान लेता है, वह नक्सम मिन अल-अमवाल वल-अनफुस, कभी माल में कमी करता है, कभी जानों में कमी करता है, वह समरात, और कभी जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं इनमें कमी करके ये देखता है कि इन कमी के बाद तुम काना जजुआ जदाओ फजा करते हो, फरियाद करते हो, नाला करते हो, अल्लाह की शिकायत करते हो, या फिर काना शकूरा या फिर अल्लाह का शुक्र करते हो, और शुक्र पर बात रुकती नहीं है। अल्लाह अकबर। खुदा बंदे आलम देखिए, जब मुसीबतें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हम तीन गिरोहों में तकसीम होते हैं। एक वाला फरमाते हैं कि वो जजा और फदा करने लगते हैं, फरियाद करने लगते हैं। रोना मना नहीं है, ये जो फरियाद होती है, ए मेरे अल्लाह तूने मेरे साथ क्या कर दिया, ए मेरे अल्लाह तूने मेरा वजह, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अल्लाह ने इसके साथ कोई जुल्म कर दिया हो, अगर ऐसे अल्फाज निकले तो अल्लाह को ये पसंद नहीं होता। तो ये पहला तबका है। खुदा का शुक्र है कि जो भी इमाम हुसैन का गम करता है वो इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी मरने वाला अपने जीने वाला अपने मरने वालों का गम करके अल्लाह से शिकायत कर सकता है, मगर ये इमाम हुसैन का सदका है कि हमें अगर अपने जवानों की याद आती है तो अकबर को याद करते हैं, हमें अगर अपने ज़ईफ़ों की याद आती है तो अब्बास का मातम करते हैं। तो कोई भी चाहने वाला जदा फदा नहीं करता। मगर हाँ, इसके बाद दो गिरोह नजर आते हैं। एक वो गिरोह होता है कि जो अपनी मुसीबतों के ऊपर सब्र करता है, और अल्लाह अकबर, ये सब्र एक बहुत बड़ी चीज है कि जो अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इसी आयत में जहां अल्लाह कहता है कि हम इम्तिहान लेते हैं, फिर वो बताता है कि ये कौन अफराद हैं, ये कौन अफराद है कि जब इनका इम्तिहान होता है, अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, अल्लाह अकबर, अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जब उनके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो ये क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाह, ए मेरे अल्लाह हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें तेरी ही तरफ पलट के आना है, हमें उसकी ही तरफ पलट के जाना है। ऐसे अफराद के लिए पैगंबर से कहा जाता है वो बशरिस साबरीन, ऐसे सब्र करने वालों को आप बशारत दे दीजिए। तो जब भी मुसीबत आती है तो जो जजा फदा वाले हैं वो अलग हो गए, मगर जो दूसरा तबका है जो सब्र करता है, अल्लाह अकबर, जो सब्र करता है, अल्लाह अपने पैगंबर से कहता है इनको बशारत दे दो। किस चीज की बशारत? कि जन्नत इनके इंतजार में है कि इन्होंने मुसीबत के ऊपर सब्र किया। मगर अजीजो ये दूसरा तबका है, मगर दीन मुबीन इस्लाम में हमें एक गिरोह और दिखाई देता है, अल्लाह अकबर, हमें एक जुमरा और दिखाई देता है कि जो मुसीबत पर फरियाद नहीं करता, जो मुसीबत पर सब्र नहीं करता, बल्कि मुसीबत पर शुक्र अदा करता है, जो मुसीबत पर शुक्र अदा करता है। आप जानते हैं कि जिस वक्त 11 मुहर्रम को काफिला हुसैन को करबला से कूफा ले जाया गया और हजरत ज़ैनब ने देखा कि भाई हुसैन का जनाजा नजर नहीं आता, इसलिए कि तीर इतने ज्यादा जिस्म अतहर के ऊपर आ चुके थे कि जिस्म पोशीदा हो चुका था। इमाम ज़ैनुलाबिदीन ने जब देखा कि वालिद गिरामी का जनाजा है जो तीरों के अंदर इस तरह से मुअल्लक है कि इमाम आखिर सलाम पढ़ते हैं, सलाम हो उस इमाम के ऊपर के वक्त शहादत जिसका जनाजा न जीन पर था न जमीन पर बल्कि तीरों के ऊपर मुअल्लक था। तो इमाम का जब जनाजा हजरत ज़ैनब को दिखाई नहीं दिया, आवाज दी, ए मेरे भैया कहाँ हो, ए मेरे भैया कहाँ हो। बाज रवायतें बताती हैं, बाज़ आकरीन पढ़ते हैं कि जनाजे से आवाज आई, वो जनाजा नहीं है, जिसमें अतार है, इमाम अली मकाम के जिसमें अतर से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, इलैया इलैया, जो आप सुनते हैं कि हजरत सकीना से कहा या बुनैया इलैया इलैया, ए मेरे फरदंद, ए मेरी बच्ची, मेरे नजदीक आओ, मैं इधर हूँ, इसी तरह से हजरत ज़ैनब से कहा। आप जानते हैं कि जब हजरत ज़ैनब ने इस कुचले हुए जनाजे को देखा, जब इस पर जनाजे को देखा तो क्या पूछा,
कि क्या तुम मेरे भाई हुसैन हो, क्या तुम मेरे भाई हुसैन हो, मुझे महसूस नहीं होता कि मेरा हुसैन ऐसा दिखाई दे। और इसके बाद अज़ीज़ान गिरामी बीबी को जब ये यकीन हो गया कि ये जनाजे हुसैन है, तो अपने दोनों हाथों से हुसैन के जनाजे को उठा के जानते हैं क्या कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, ए मेरे अल्लाह मुझसे इस कुर्बानी को कबूल कर ले, मुझसे इस कुर्बानी को कबूल कर ले। और इसके बाद बीबी ने सब्र नहीं किया बल्कि शुक्र अदा किया है। दलील यह है कि जब अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि देखो करबला में तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ, तुमने अल्लाह को कैसा पाया, तो बीबी का वो एक जुमला, वमा रअयतु इल्ला जमीला, हमने खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं देखा, हमने इस मुसीबत पर सब्र नहीं किया है, हमने शुक्र किया है। अकबर का जनाजा आया तो हमने शुक्र किया, अब्बास के शाने कलम हुए तो हमने शुक्र किया। तो ये तीसरा जो जुमरा है जो अपनी मुसीबतों के ऊपर शुक्र करता है। अज़ीज़ाने गिरामी एक जवान के इसाले सवाब की मजलिस है, अगर मैं पूरी मजलिस में मसाए पढ़ता तो भी मुझे हक था, तो भी मुझे हक था, मगर मैं फजाइल के बीच से मसाए पढ़ता रहूंगा और इंशाल्लाह जल्दी से मजलिस को तमाम कर दूंगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी ये जो मौत है इससे ना बचा जा सकता है और ना इससे मुंह चुराया जा सकता है कि हम ये कहें कि साहब हम मौत का तज़किरा नहीं करेंगे, हम मौत को याद नहीं करेंगे तो मौत हम तक नहीं आएगी। कहा नहीं, नहनो कद्दर ना बैनकुम अलमौत, हमने मौत को तुम्हारा मुकद्दर बनाया है। तो अब जो शय मुकद्दर में लिख दी जाए उससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता, लिहाजा आ जाएगी एक मौत। अल्लाह का ऐलान है, कुल नफ्सिन दाएकतुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और एक दिन तुम्हें हमारी तरफ पलट के आना है। तो अज़ीज़ाने गिरामी ये मौत का जायका चखना है। आज जिसका गम करने के लिए बैठे इमाम मोहम्मद तकी, इमाम जवाद, इन अइम्मा की फहरिस्त में 25 बरस का सिन है। और मैंने अर्ज किया कि अइम्मा की फहरिस्त में 3 मासूम ऐसे हैं कि जिनको जहर दिया है खुद उनकी जौजा ने। पहले शहीद का नाम है पैगंबर आजम खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर आजम को जहर दिया गया है। तकिया की बुनियाद पर आपको किताबों में मिलेगा कि एक जने यहूदिया ने, एक यहूदी औरत ने आपको जहर दिया, मगर किसने जहर दिया वो दीन मुबीन इस्लाम की किताबों में बड़े बड़े अल्फाज के अंदर लिखा हुआ है कि पैगंबर को जहर देने की साजिश किसने की और कैसे पैगंबर शहीद हुए। बाज़ अफराद पैगंबर की शहादत के लिए लफ्ज़ वफात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ रहलत, जबकि मासूम फरमाते हैं कि हम जो मासूम आते हैं शहीद होते हैं। बस फर्क ये होता है कि कभी तलवार से शहीद होते हैं और कभी जहर से शहीद होते हैं। हम मासूम हैं, हम आधी मौत इस दुनिया से नहीं जाते, इसलिए कि अगर हम आधी जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे ऊपर कभी मौत तारी ही नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अगर मासूम के ऊपर शहादत वाक़े ना हो तो फिर मासूम की जिंदगी में इजाफा होता है। दलील क्या है कि हमारा एक है जिस तक शहादत का ना जहर पहुंच सका है ना तलवार, 1100 बरस से दुनिया में जिंदा है। लिहाजा अगर किसी मासूम को शहीद ना किया जाता तो हमारा हर इमाम इतनी ही उम्र पाता, लिहाजा हर मासूम को शहीद किया गया। एक पैगंबर आजम है कि जिनको जहर दिया गया। दूसरे का जिक्र आप करते हैं, जुअदा बिनते अशआस, इमाम हसन की जौजा, जिसने आपको जहर दिया। और क्या आलम था कि एक तश्त के अंदर 72 टुकड़े जिगर के होकर रखे हुए थे। सकरात के मौत के वक्त, नज़ा के आलम के वक्त इमाम हसन आली मकाम के चेहरे के ऊपर पसीना जारी था। इमाम हुसैन ने पूछा, मौला किस बात की तकलीफ है, किस बात की तकलीफ है? कहा, यह मेरा सीना है जो मेरे तश्त में दिखाई दे रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ का एहसास है और मैं रो इसलिए रहा हूं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मैं रो रहा हूं इसलिए कि मेरे बच्चे छोटे छोटे। हजरत कासिम का सिन कितना रहा होगा, हजरत हसन मुसन्ना का सिन कितना रहा होगा, आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चे थे इमाम हसन के, इसलिए कि जब इस दुनिया से गए तो 50 बरस का कुल सिन है इमाम का, तो छोटे ही छोटे बच्चे थे। और दूसरा, इमाम ने फरमाया जो आंखों में आंसू आ रहे हैं, हौलल मुत्तले हौलल मुत्तले, मुझे नहीं मालूम है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होने वाला है। अजीजो, इमाम हसन ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम मरने के बाद मेरा क्या होने वाला है, उन्हें मालूम है कि उनका क्या होने वाला है। ये जन्नत उनके लिए बनी है, वो शहजादे बेहिश्त हैं। वो हमको ये बताना चाहते हैं कि हम मासूम होते हुए अपनी मौत को लेकर इतना संजीदा है, तुम्हें कितना संजीदा होना चाहिए, तुम्हें कितना सोचना चाहिए कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा क्या होने वाला है। तो दूसरा मासूम कौन है जिसको जौजा ने जहर दिया? मौला इमाम हसन। और तीसरे मासूम का नाम है इमाम मोहम्मद तकी, कि जिनकी जौजा है उम्मुल फजल बिनते मामून, वही मामून है रशीद और मामून है अब्बासी, कि जिसने साजिश के तहत मौला इमाम रजा को बुलवाया है मदीने से मर्व की तरफ, खुरासान की तरफ, और पहले यह कहा कि हम आपको खिलाफत देना चाहते हैं, इमाम ने इनकार किया, तो कहा अब आपको हम अपना वली अहद बनाना चाहते हैं, इमाम ने फिर इनकार किया, तो तहदीद की, डराया और धमकाया। इमाम किसी से डरता नहीं है, मगर इमाम की जो तदबीर होती है, इमाम के पास जो इल्म होता है, वो कयामत तक के आसार को देख कर किसी फैसले को करते हैं। लिहाजा इमाम जानते थे कि अगर मैंने इस हुक्म को नहीं माना तो मेरे शियों के लिए एक मुसीबत का वक्त होगा, लिहाजा कुछ शर्तों के साथ वली अहदी को कबूल किया। और ये बनी अब्बास के खुलफा में सबसे चालाक इंसान अगर कोई नजर आता
है तो यही मामून अब्बासी है। इसने हर एक के लिए अपना अपना एक नक्शा बना रखा था कि अलवियों से कैसे निपटेगा, बनी उमैया से कैसे निपटेगा, अब्बासी खुद था, अपने घर में अगर बगावत पैदा हो जाए तो मैं उससे कैसे निपटूंगा। लिहाजा इसने अलवियों से निपटने के लिए क्या किया, बज़ाहिर इमाम रज़ा को वली अहद बनाया कि अगर मुझे दुनिया में कुछ हो जाता है तो मेरे बाद बादशाह आप होंगे, मेरे बाद खलीफा आप होंगे इस मम्लकत के। दूसरा इसका हरवा यह था कि बाद रवायतों में मिलता है कि इमाम की जिंदगी में इमाम जवाद का सिन जिस वक्त 8 बरस का था, इसने अपनी बेटी उम्मुल फजल का निकाह हजरत इमाम मोहम्मद तकी से करवाया। अल्लाह अकबर। किस लिए? इसको मालूम था कि मैं इमाम रजा को जहर दे दूंगा, वो तो दुनिया से चले जाएंगे, मगर फिर इसलिए कि कहीं इमाम मोहम्मद तकी कहीं खिलाफत का दावा ना कर बैठे, कहीं अलवी हुकूमत के लिए उठ ना बैठे कि इमाम रजाए गरीब के जो वली अहद थे अब वो मुंतकिल हो चुके हैं इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ, वो शहीद हो चुके हैं, लिहाजा अब यह हक इमाम जवाद का है। लिहाजा इस फितने को खत्म करने के लिए, बज़ाहिर इसे ये फितना समझता था, अपनी बेटी का आक़द करता है 8 बरस के सिन में इमाम जवाद से। अल्लाह अकबर। और बाद रवायतों में मिलता है कि यह आक़द इमाम रजा के दुनिया से जाने के बाद तश्कील पाया है, और इमाम जब इस दुनिया से चले गए तो फिर इसने बुलवाया है इमाम को दोबारा, कि जब बगदाद इसने दोबारा अपना पाए तख्त करार दिया है, मरव से बगदाद पहुंचा और इमाम को बुलवाया। इमाम मोहम्मद तकी 2 मरतबा बगदाद गए, 2 मरतबा बगदाद गए। एक मरतबा वो है कि ये जो आक़द हो चुका था इसकी रुख्सती के लिए कि अपनी बेटी उम्मुल फजल को मदीने भेजता है, मगर जैसे ही हारून जैसे ही मामून इस दुनिया से जाता है और मसनद खिलाफत पर आता है मोतसिम बिल्लाह या मोतसिम अब्बासी, जैसे ही ये पहुंचता है तो इसको अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए और अलवियों के उसके निगाह में फितने को रोकने के लिए वो ये कहता है कि अगर मैंने इमाम जवाद का माउदल्ला नऊज़ु बिल्लाह इमाम जवाद यानी इमाम मोहम्मद तकी इनका इलाज न किया तो कल ये मेरी हुकूमत के लिए जरर साबित होंगे, लिहाजा अपनी बहर का सहारा लेते हुए जाफर के जो भाई है मामून का और मोतसिम के जो भाई है मामून का, ये दोनों आपस में एक साजिश करते हैं, उम्मुल फजल को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जानती हो कि इमाम मोहम्मद तकी की जो दूसरी जौजा हैं जिनका नाम समान है मगरबिया है उनसे औलाद है, इमाम अली नकी हैं, और तुम्हारे से कोई औलाद नहीं है, इसलिए तुमको लोग हकारत की निगाह से देखते हैं। अल्लाह अकबर। तुमको लोग हकारत की निगाह से देखते हैं कि तुम मोहम्मद तकी की जौजा तो है तो हो मगर तुमसे कोई औलाद नहीं, लिहाजा अब तुम इस्लामी दुनिया में हकीर साबित हो रही हो। एक वो कनीज के जो समान है मगरबिया कनीज है, उस कनीज के मुकाबले पे तुम बादशाह की बेटी हो मगर उसका एहतराम ज्यादा है और तुम्हारा एहतराम कम, लिहाजा अब अगर अपनी इफ्फत को बचाना है अपनी इज्जत को बचाना है तो तुम्हें मोहम्मद तकी को जहर देना होगा। लिहाजा इस साजिश का एक हिस्सा बनती है ये उम्मुल फजल और इमाम आली मकाम के जहर का इंतजाम करती है। बाद रवायतों में मिलता है कि संतरे के जूस में और उसके अर्क में पुर्तगाल में जहर मिला के इमाम के हवाले किया जाता है, और बाद रवायतें ये बताती हैं कि उम्मुल फजल अपने हाथों से नहीं देती बल्कि एक कारिंदे के जरिए इमाम तक ये अर्क पहुँचाया जाता है और इमाम इस अर्क को अपने बदन की तरफ मुंतकिल करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। मगर अजीज़ आने गिरामी मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, 25 बरस का सिन, देखिए मजलिस से आप हज़ारों सुनते होंगे, ये अल्फाज हैं मैं ज़बान से निकालूंगा आपके कानों तक आएंगे, मगर कुछ बातें महसूस करने की होती हैं। मुझे ईमानदारी से बताइए 25 बरस का सिन होता ही कितना है? हमारे यहाँ ठीक से बच्चा जवान भी नहीं होता और इमाम जवाद को जहर हलाहल से शहीद किया जा रहा है, मगर इमाम की 25 बरस में जो सीरत है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े उस वक्त के उलमा न सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि मसीही बल्कि यहूदी बल्कि मुलहिद काफिर दहरिए आते हैं इमाम से मुनाजरे के लिए और इमाम सबको जहर करते हैं, सबको जहर करते हैं अपने इल्म के जरिए। हाँ इतना ज़रूर है कि जब इमाम को जहर दिया गया तो बाएजाज इमाम अलीनकी आते हैं और आपके कफन का इंतज़ाम करते हैं, आपके गुस्ल का अहतमाम करते हैं, और आप जानते हैं कि जिस वक्त इमाम मोहम्मद तकी इस दुनिया से गए तो आपकी वालदा गिरामी मौजूद थी, हज़रत सबीका खातून उस वक्त मौजूद थी। किसी माँ के लिए इससे बड़ा दर्द गम क्या होगा कि जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए। एक माँ के जिसके बेटे की आज इसाले सवाब की महली से अभी मैं फातह से आ रहा हूँ, फातह के वक्त जिस वक्त नाम लिया गया रमीज़ मुर्तज़ा, जो कोहराम का आलम मैंने देखा उससे अंदाज़ा लगा कि देखिए चाहे जैसा जवान था यकीनन एक आदि इंसान है, इंसान था, बाज़ गुनाह भी किए होंगे, खुदावंद आलम मगफरत फरमाए, मगर अगर किसी का ऐसा बेटा दुनिया से गया होगा कि जो इल्म लदुन्नी का मालिक होगा, जो मासूम होगा, जिसके ऊपर नस होगी, जो महफूज अनिल खता होगा, लिहाजा माँ को कैसे खबर दें इमाम अली नकी के आपका बेटा दुनिया से जा चुका है। एक पोते के लिए बड़ा सख्त वक्त है कि अपनी दादी को खबर दे कि मेरा बाप दुनिया से जा चुका है, लिहाजा इमाम अली नकी फरमाते हैं कि दादी अम्मा महसूस ये होता है कि मेरे वालिद को
शायद कुछ हो गया है, अल्लाह अकबर। मुझे महसूस ये होता है इसलिए कि बगदाद बुलवाया गया और वहीं जहर दे दिया गया, पूरा खानवादा आपका मदीने में, इमाम गरीबुल वतनी के आलम में है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे वालिद को कुछ हो गया। कैसे महसूस हुआ मेरे बच्चे का? वो मलक के जो अपने ज़माने के इमाम के साथ रहता है, अब वो मेरे पास आ गया है और मुझको दिलासा दे रहा है। ये अंदाज़ था एक दिलासा देने का और ये बताने का कि आपका जवान इस दुनिया से जा चुका है, वो मलक मेरे साथ आ गया है। अच्छा, अगर मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया तो उसका गुस्ल कैसे होगा? एक माँ के लिए पहला सवाल उसके गुस्ल का एहतमाम कैसे होगा, उसको कफन कैसे पहनाया जाएगा? इमाम अली नकी अभी कमसनी का आलम है, इमाम हादी का, कहते हैं दादी अम्मा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इमाम वक्त हूँ, बाएजाज जाऊँगा, अपने वालिद गिरामी को गुस्ल भी दूंगा, कफन भी पहनाऊँगा, नमाज जनादा भी होगी। अजीज़ो यकीनन यही हुआ कि इमाम बाएजाज पहुँचे, गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जिस वक्त बगदाद के मोमिनीन को यह खबर हुई कि इमाम का फर्जंद दुनिया से जा चुका है, इमाम जवाद दुनिया से चले गए, रवायतें बताती हैं जनाजों को फूलों से पाट दिया गया, इतने गुल, इतने गुलाब के पौधे और इतने फूल इमाम के जनाजे पर डाले गए कि उस जमाने में वो पूरा खित्ता मशहूर हो गया कि गुलाबों वाला हिस्सा। मैं कहूँगा ए बीबी सभी का खातून, तुमको ये मालूम हुआ तुम्हारा बेटा दुनिया से चला गया, पहली तकलीफ तुम्हें यह हुई कि गुस्ल कैसे होगा, कफन कैसे पहनाया जाएगा? इमाम अली नकी ने आके गुस्ल दिया, अरे जनाजे पे फूल बरसाए गए, हाय रे करबला में अली अकबर, माँ उम्मे लैला कैसे देखे, जवान के सीने में बरछी की यानी। इमाम हुसैन तड़प गए कि एक माँ के लिए किस तरह से ये मंजर गुजरेगा कि अपने जवान लाल के जनाजे को देखे। हुक्म दिया मैं इमाम वक्त हूँ, अरे जाओ हुजरे में अपने लाल के लिए दुआ करो। उम्मे लैला तो हुजरे में पहुंच गई, वाकबरा की सदाएं बुलंद कर रही, मगर एक बूढ़ा बाप जवान के जनाजे पे कैसे जाता, कमर को पकड़े हुए हैं, याली अदरकनी, हे बाबे खैबर को उखाड़ने वाले, आओ जरा अपने बच्चे की खबर लो। हुसैन मजलूम करबला मैदान कारदार में है, जवान का जनाजा, जवान सीने पे हाथ रख के तड़प रहा है। अरे रमीज मुर्तजा ने मरने से पहले अपने बाप से कहा था मेरे भाई हाथ में दर्द है, अरे बाप ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ को हाथ पे फेराया था, जवान बेटा सीने को पकड़े हुए, ए मेरे लाल सीने पे हाथ क्यों रखे हो, ए मेरे बाबा तकलीफ है, ए मेरे बाबा तकलीफ है। अब जो आका ने अली अकबर का हाथ हटाया, क्या देखा, जिगर में बरछी की यानी टूटी हुई है, एक मर्तबा तीनों को उल्टा, एक मर्तबा रुख किया नजब का, बाबे खैबर को उठाना आसान था, जवान का जनाजा उठाना है। ए माँ फातिमा, ए नाना रसूलुल्लाह, लीजिए आप इतने बीमार देख रहे हैं, बूढ़ा बाप जवान के जनाजे पे मौजूद है, लीजिए जो बरछी को निकाला, जिगर बरछी में उछल के आ गया, रुख किया मदीने का मेरे नाना, अरे इस उम्मत के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, मेरे जवान की मैयत कैसे खेमे में पहुंचेगी, मैं बूढ़ा बाप हूँ, मुझसे ये जनाजा उठाया ना जाएगा। ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, अरे जाने वाला जब दुनिया से गया, कोरोना का माहौल था, जनाजों से फरार हो रहा था, मगर महल्ले के कितने अफराद जमा हो गए, जनाजे में सबने शिरकत की, अपनी जान को खतर में डाल के जनाजे में शिरकत की, मगर हायरे मौला अली अकबर का जनाजा कौन उठाता, छोटे छोटे बनी हाशिम भी कुर्बान हो चुके हैं। हुसैन ने देखा कोई मदद को नहीं आता, जनाजे को उठाया, सीने को सीने से लगाया, ए उम्मे लैला तेरी कमाई आ गई, ए ज़ैनब मुझे बुरसा दे दे, बूढ़े बाप के हाथों में जवान का जनाजा, अम्बिया इलाही मुंह फेर के रो रहे हैं, ए मेरे अल्लाह ये वो इम्तिहान है जो ना हम दे सकते थे ना कोई देगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिगदाइहि व तस्लीमन लिअम्रे, सयालमुल लदीना ज़लमू अय्यमुन क़ल्बी यन्क़लिबून। हज़रात मज़ीद गुज़ारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूम रमीज़ मुर्तज़ा इब्ने मुर्तज़ा हुसैन साहब की रूह को